कृष्णा, देखो वो आ गया, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। क्या आ गया बंधुओं? कार्तिक मास आ गया। जी हाँ, कार्तिक मास शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। अरे भाई, क्या खास है कार्तिक मास के बारे में? अरे, कार्तिक मास भक्तों के लिए खजानों को खोल देने वाला मास है। कृष्ण कृपा, राधा कृपा के खजानों के द्वार खुलने का समय आ गया है। साधना का 1000 गुना, नहीं 10,000 गुना फल देने वाला मास है कार्तिक मास। जानना है कैसे? तो आइए सुनते हैं श्रीमान रघुनाथ दास जी से। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और भक्ति आंगन चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तों की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कार्तिक व्रत की जय हो। मुझे पता है आप सब लोग पूरे फायर्ड अप है कार्तिक व्रत को लेके। कार्तिक क्या है? ये 30 दिन का एक महीना होता है, जैसे कि सब महीने होते हैं, लेकिन जो कार्तिक का महीना होता है इसको हम दामोदर मंथ भी बोलते हैं। और इसका जो पूरा के पूरा जो मेन मोटिव होता है कार्तिक व्रत का, वो होता है किस तरीके से वी कैन प्लीज अवर स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, सो दैट राधा रानी कैन एंगेज अस इन टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कहते हैं कि जब भी हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि कैसे, हाउ कैन वी गेट द बोनस पॉइंट, राइट? वैसे ही भक्ति के अंदर जब बोनस पॉइंट लेने की बारी आती है ना, तो आता है कार्तिक का महीना। इसमें आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो जप हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो दीपदान हो, या आपकी प्रेयर्स हो, या कोई शास्त्रीय स्टडी हो, या परिक्रमा हो, यू गेट 1000 times, इनफैक्ट सम पीपल से 10,000 times मोर बेनिफिट। तो आप देख सकते हैं कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसके अंदर यू कैन गेट मैक्सिमम बोनस एंड भक्ति के अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। अब कार्तिक का मंथ कौन ऑब्जर्व करता है? बिकॉज कार्तिक व्रत इज एक्सटेंसिवली ग्लोरीफाइड, सो डिस्क्राइब्ड एंड रिकमेंडेड इन द पुराणस एंड वेदास, सो ऑल द वैष्णवस दे आर ऑब्जर्विंग इट। बट गौड़िया वैष्णव, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ है, क्योंकि गौड़िया वैष्णव जो है वो अपने जो हमारे रसिकाचार्य हैं शिला रूप गोस्वामी पाद, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की तरह से कार्तिक के मंथ को फॉलो करते हैं। यार, ये कार्तिक के मंथ को फॉलो करने का खाली मकसद पुराणों में दिए हुए कार्तिक महात्मा नहीं है, क्योंकि तो कार्तिक मंथ को फॉलो करने का जो मेन कारण है वो ये है कि हमारे रसिकाचार्य श्रीला रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शन है। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ इज कार्तिक व्रत रिलेटेड टू श्रीमती राधा रानी? कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं महर्षि हूं। तो अगर हम देखें कि शक्ति हमेशा शक्तिमान से पहले आती है, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राइट? तो उसी तरीके से जो मार्गशीर्ष का महीना होता है उससे पहले का महीना जो होता है वो कार्तिक होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि रिस्पेक्टिंग द ऊर्जा व्रता इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 64 लिम्स ऑफ भक्ति। तो ऊर्जा इज एक्चुअली राधा रानी, वन ऑफ द नेम ऑफ राधा रानी इज ऊर्जेश्वरी। तो द कंट्रोलर ऑफ क्वीन ऑफ ऑल द पावर एंड पास्ट एंड पोटेंसी इज ऊर्जेश्वरी। तो गौड़िया वैष्णव जो है वो वैष्णव जो है वो कार्तिक के व्रत को इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी क्वीन ऑफ भक्ति, जो हम बोलते हैं ना भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि भक्ति देवी जो है वो राधा रानी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, क्योंकि भक्ति देवी राधा रानी है। तो ऊर्जा इज एक्चुअली रेफर्स टू द इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा एंड दैट इज राधा रानी, एंड ऑल्सो वन ऑफ द नेम ऑफ राधा रानी इज ऊर्जेश्वरी। सो ऊर्जा व्रत इज एक्चुअली फॉर राधा रानी। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्तव माला में रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री राधा इज द ईष्ट देवता ऑफ कार्तिक मंथ बाय रेफरिंग टू हर एज अ कार्तिकी देवी।
So one of the name of Radharani is Kartiki Devi also. और ब्रह्म विवर्त पुराण डिस्क्राइब करता है लीला जहाँ पे राधा कृष्ण जो है उसमें कृष्ण जो है जो लेट हो जाते हैं अपने निकुंज में पहुंचने के लिए, तो प्रिया जी पनिशर बिलवेड प्रियतम बाय यूजिंग मैनी माधवी लतास टू टाई हिम टू द कदम्ब ट्री दस द गौड़िया वैष्णव वर्षिप राधा दामोदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक. उसके अलावा भक्ति देवी जो है हमारी वो राधा रानी है. हाँ हम कभी कभी बोलते हैं भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, एक्चुअली इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. भक्ति देवी जो है वो राधा रानी है. वृंद देवी तुलसी महारानी की जय इज ओके, बट भक्ति देवी इज राधा रानी क्योंकि शी इज द ओनली वन हु कैन गिव अस कृष्ण भक्ति. बाकी सब उसकी एसोसिएट्स हैं जिनके पास पोटेंसी होगी लेकिन जो प्रेम होगा वो केवल हमें राधा रानी दे सकती है. उसके अलावा भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ. तो जैसे लक्ष्मी नारायण से पहले आती है, सीता राम में सीता जी पहले आती है, राधा कृष्ण में राधा जी पहले आती हैं. तो मार्गशीर्ष मंथ जो है वो अगर कृष्ण है तो उससे पहले का महीना कार्तिक ऑफकोर्स राधा रानी ही तो हुआ. तो इसीलिए राधा रानी से रिलेट कहा जाता है और कहा जाता है कि ये महीने के अंदर इतने सारे पास टाइम्स हुए हैं कृष्ण और राधा रानी के बीच में कि उन सारे के सारे पास टाइम्स को अगर हम देखें तो हम वी कैन ईजिली मेक आउट कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें राधा रानी जो है शी इज वेरी ईगर टू मीट कृष्णा एंड व्हेन वी आर वर्शिपिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर दे आर वेरी प्लीज्ड. अब वेरी आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग एक कार्तिक मंथ. द गुड रिजल्ट ऑफ देयर व्रत लास्ट फॉर ओनली वन लाइफ टाइम. कोई भी आप व्रत रखेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास केवल एक लाइफ टाइम के लिए होता है. बट कार्तिक व्रत अवार्ड्स वन इन एग्जॉटिबल बेनिफिट यानी कि अक्षय फल क्योंकि कभी भी खत्म नहीं हो सकता. तो हरि भक्ति विलास कहती है फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफरिंग ड्यूरिंग द कार्तिक श्री कृष्ण गिव्स वन हिज स्पिरिचुअल फॉर्म an eternal abode in Golok Vrindavan. And when and where to observe Kartik Vrat? It is also a very important question. Wherever you are, that's where. But beware, your heart is there in Vrindavan. Yes, why Vrindavan is the best place in universe to observe Kartik Vrat? Because all the holy places, river and lakes resides in Vrindavan during the month of Kartik. The perfect atonement to purify the sins of lifetime is to worship Radha Krishna in Vrindavan during the month of Kartik. यानी कि अगर आप खाली कार्तिक के महीने में वृंदावन में पड़े भी रहो तो भी आपके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं. श्री रूप गोस्वामी पद पुराण से कोट करते हैं फर्स्ट पार्ट के सेकेंड चैप्टर के 222nd वर्स में कि लॉर्ड हरि अवार्ड्स एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन टू डिवोटीज observe Kartik Vrata outside Braj Mandal. Summarizing Shri Jiva Goswami's tika on this verse, our Srila Prabhupada, he said, even an unserious person who executes the Kartik Vrata in Braj Mandal is very easily awarded Lord Krishna's personal service. Nectar of Devotion ke 103 verse ke andar hai. In other words, the worship of Radha Damodar in the West during the Kartik month has supercharged spiritual power that one immediately becomes eligible for the blessings of pure bhakti from our beloved Srimati Radhe Shyam. So this Kartik jo hai, iska vrat bahut important hai, iska bahut mahatmya hai. Agar hum Kartik ka vrat rakhte hain, to chahe aur koi please ho ya na ho is duniya mein, राधा कृष्ण जरूर प्लीज होंगे. और हम कहते हैं ना कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, और चाहे भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के. तो अगर आप रमण बिहारी के यानी कि राधा रमण बिहारी के होना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप कार्तिक का व्रत रखें. हरे कृष्णा.